दोस्तों, अगर आप इंडियन रेलवे में सफर करना चाहते हैं और सफर करने की सोच रहे हैं तो जरा समझ जाइए। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप अपने फैसले पर पूर्ण विचार करने के लिए मजबूर हो जाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन रेलवे की एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूँ जिसे आपने कभी न कभी सुना और देखा जरूर होगा, क्योंकि ये खबर देखने के बाद अगर आप सफर पर जाना ही चाहते हैं तो जरा समझ जाइए। हो सकता है सफर के दौरान, सफर के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, या फिर सबसे अच्छा होगा कि आप अपने साथ सफर के दौरान एक डॉक्टर भी ले लें, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको डॉक्टर ना मिला तो हो सकता है ये आपकी जिंदगी के लिए घातक साबित हो। दरअसल दोस्तों, मैं आपको इंडियन रेलवे के अंदर की गंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे देखने के बाद आपको इंडियन रेलवे की सुविधाओं पर तरस आने लगेगा। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने बिहार के लिए ट्रेन में सफर किया था। ट्रेन में सफर के दौरान मैंने जो देखा उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ट्रेन में ऐसी गंदगी जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, विमल, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीजें बैन होने के बावजूद गाड़ी नंबर 12336 और गाड़ी नंबर 12335 में धड़ल्ले से इसकी बिक्री होती है और लोग खा खा कर ट्रेन के अंदर ही थूक कर गंदगी का अंबार लगा देते हैं। दरअसल दोस्तों, मैंने सफर के दौरान ट्रेन की कुछ तस्वीरें ली हैं जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप इंडियन रेलवे में सफर करने के लिए 100 बार सोचेंगे। दरअसल दोस्तों, गैर कानूनी तरीके से धड़ल्ले से ट्रेन के अंदर गुटखा, तंबाकू, विमल और भी कई तरह के ऐसे नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं और लोग खाने के बाद जहां उनका मन चाहता है वहीं वो थूक देते हैं, जिसकी वजह से फ्लश जाम हो जाता है, पानी जमा हो जाता है और यहां तक कि लोगों का खाना पीना, यहां की वॉशरूम जाना भी दुभर हो जाता है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ्लश जाम होने पर पूरा का पूरा गंदा पानी ट्रेन के अंदर ही बह रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बड़ी ही आसानी से ट्रेन में विमल गुटखा मिल जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट को चाहिए कि ट्रेन के अंदर विमल गुटखा बेचने वालों और खाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट खरीदते हैं, ना कि ट्रेन को गंदा करने के लिए। मैं रेलवे मिनिस्ट्री से आवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो मतलब है कि कहीं न कहीं रेलवे डिपार्टमेंट की भी मिलीभगत है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रेन में किन्नरों का आतंक एक आम सी बात हो गई है। कसारा के बाद भुसावल तक किन्नरों का आतंक ट्रेन के अंदर आम सी बात हो गई है। किन्नरों का झुंड जबरदस्ती ट्रेन में घुसकर लोगों से पैसे मांगते हैं और पैसे ना देने पर उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यही नहीं कई तरह की अश्लील हरकतें भी करते हैं। ये सारी चीजें रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसे किन्नरों पर जो जबरदस्ती लोगों से पैसा वसूल करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं।